कि सिवान के जो सांसद है कविता सिंह वो जदयू से हैं और सिवान के जो सदर विधायक है, ये सदर विधानसभा का क्षेत्र है, सदर विधायक है और बैर चौधरी वो राजद से, जदयू राजद की सरकार है। सर यहाँ तो 12 मास लगा रहता है सर, ई रिक्शा भी पलट जी हाँ, ई रिक्शा डेली 10 पलटता है, लेडीज को हाथ पैर कभी टूट जाता है, कभी दुर्घटना कुछ भी हो जाता है, यहाँ बहुत घटना होता है, बराबर चोट लगती रहती है, गाड़ी पलटती रहती है, रोजे दो गाड़ी पलट जाती है, लोगों को चोट भी लगती है, गोहा टूट जाती है, घटनाएं हो रही हैं जैसे गाड़ी पलटना, ई रिक्शा का गिरना है ना, उससे लोग जख्मी हो रहे हैं। तो हाँ, यहाँ स्टेशन के लिए तो भाई फेल है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट को, जो हम लोग के प्रशासन है उनको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये तो नाकामी दिख ही रहा है और सरकार से मांग है कि इसको दुरुस्त किया जाए, इसलिए कि बगल में आपका देख सकते हैं, बगल में प्ले स्कूल है, किड्स स्कूल है, सिसवन ढाला स्टैंड है, यहाँ पे बगल में स्टेशन है, सारे पैसेंजर लोग आना जाना इधर से ही होता है, मैं भी पासी का रहने वाला हूँ, लेकिन ये स्थिति मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ यहाँ पर, और एक दो गड्ढे नहीं, आप लाइन से देख सकते हैं कितने गड्ढे। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हम के पास है और आप ये तस्वीरें दिखाएंगे कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। सिवान शहर का मुख्य मार्ग है, हजारों की संख्या में गाड़ियां यहां से क्रॉस करती है, हजारों की संख्या में करता है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह सड़कों के बीच गड्ढा है और पानी यहां पे लगा हुआ है। आपको बता दें कि कई सारी दुर्घटनाएं यहां पे हुई है, कई बार ई रिक्शा पलटा हुआ है और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ई रिक्शा में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और बगल में एक प्ले स्कूल है, वहां की छोटी छोटी जो बच्चे हैं वो स्कूल बस से जाते हैं, और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर ये गड्ढा है जिस तरह। और आपको सबसे बड़ी चीज बता दें कि सिवान के जो सांसद है कविता सिंह वो जदयू से हैं और सिवान के जो सदर विधायक है, ये सदर विधानसभा का क्षेत्र है, सदर विधायक है और बैर चौधरी वो राजद से, जदयू राजद की सरकार है, इसके बावजूद सिवान शहर में विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। विकास तो दूर की बात है, जो सिवान शहर का मुख्य मार्ग है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह गड्ढों में सड़क है और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां होती है। आप देख सकते हैं स्कूल के भी बच्चे यहां से जाते हैं, क्रॉस करते हैं और इसी पानी से होते हुए हम आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें देख सकते हैं यहां पे हमेशा पानी लगा रहता है और हमेशा यहां से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान शहर के स्टेशन रोड के पास से, ये सिवान शहर का मुख्य मार्ग है, स्टेशन यहाँ से कुछ ही दूरी पे है और इसके बावजूद और कुछ ई रिक्शा वाले हैं। कितना दिन से यहाँ सर? यहाँ तो 12 मास लगा रहता है सर, ई रिक्शा भी पलट जी हाँ, ई रिक्शा डेली 10 पलटता है। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेंसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका, एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब, एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP ट्रायल्स के समीप स्टेशन रोड मेलवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। सारी घटनाएं जी हाँ, डेली सर लेडीज को हाथ पैर कभी टूट जाता है, कभी दुर्घटना कुछ भी हो जाता है, कोई देखने नहीं आता है सर। यही रिक्शा वाले हैं, कुछ और युवा है, दिक्कतें होती है बहुत, बाइक वगैरह भी दिक्कत है, तकलीफ है, पब्लिक को दिक्कत है, अभी इसको मेंटेनेंस करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा खराब है तो क्या मानते हैं, विकास हुआ है सिवान? और विकास हुआ है या नहीं, लेकिन ये खराब है, इसको का इसका काम होना चाहिए। आप बाबू कहाँ कर रहे हैं? घर है। क्या कहेंगे ये जो रोड इसको बनवाना चाहिए, काफी दिनों से परेशानी। हाँ घटना भी हो सकती है। हाँ एकदम हो सकती है बिल्कुल। और आप जो लोगों की बातें हैं आपने सुनी, कुछ और लोग हैं, आप यही काम में हैं जी? कभी यहाँ पे कितना घटना होता है? यहाँ बहुत घटना होता है, बराबर चोट लगती रहती है, गाड़ी पलटती रहती है। अच्छा, कोई ध्यान नहीं देता है? कोई ध्यान नहीं देता है जी। ई रिक्शा भी कई बार पलटा हुआ है? रोजे दो गाड़ी पलट जाती है, लोगों को चोट भी लगती है, गोहा टूट जाती है,
क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे रोड क्लियर रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। चलिए कुछ और लोग भी है, कहाँ घर है चाचा आपका? मेरा घर बड़हरिया थाना पड़ेगा, तिलसंडी 512। अच्छा, स्टेशन रोड के पास इतना गड्ढा है, क्या मानते हैं? ये तो सरासर सरकार की कमी है। ये तमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान, तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। ये स्टेशन है, स्टेशन से गोपालगंज जिला जोड़ती है, बड़हरिया हर जगह का माने यहाँ आवागमन रहता है। फिर भी यहाँ पर तीर मोहानी है, यहाँ पर हमेशा हमेशा हम देखते हैं कि गड्ढा ही गड्ढा रहता है। चलिए कुछ स्थानीय लोग भी हैं, क्या कहेंगे सड़कों पे जो बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, हमेशा घटनाएं होती है, आप तो यही कीजिए जी। ये सिवान स्टेशन रोड मुख्य मार्ग है सिवान शहर का, और यहाँ पे नाली का व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले यहाँ नाली का व्यवस्था हो कि जो पानी का जो आउटडोर है ये नाली में जाए, है ना, क्योंकि नाली के पानी की वजह से यहाँ पे रोड टूट रहे हैं। आए दिन यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं, जैसे गाड़ी पलटना, ई रिक्शा का गिरना, है ना, उससे लोग जख्मी हो रहे हैं। तो ये प्रशासन को की कहीं ना कहीं चूक है, और इस पे सरकार की पहल होनी चाहिए कि ये स्टेशन रोड का जो मार्ग है इसको बढ़िया से बनवाया जाए। अभी राबिस गिर रहा है यहाँ पे, है ना, राबिस गिर रहा है, लेकिन उस स्थिति में नहीं गिर रहा है कि जिससे लोगों का सहूलियत हो, है ना, लोग आराम से आए जाए। कहीं से तो नहीं रुक, नहीं राबी से, नहीं राबी से कैसे रुकेगा? पहले यहाँ पे नाली का प्रॉपर वे होना चाहिए, है ना, कि उसका निकासी हो, जो रोड का हो, रोड का जो विकास हो, रोड अच्छा से बने। गंदगी का अंबार ऐसे ही लगा है, दुर्गा पूजा का दिन चल रहा है, दुर्गा पूजा में अब आप भाई नहीं करोगे तो कब करोगे? दुर्गा पूजा में बाहर से, गाँव से, देहात से जो लोग आते हैं मेला घूमने, आएंगे ऐसे ही गिरेंगे, है ना, तो उनके लिए तो कम से कम प्रॉपर वे। सरकार और प्रशासन विकास की बात करती है, लेकिन यहाँ पे फेल नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ स्टेशन के लिए तो भाई फेल है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट को, जो हम लोग के प्रशासन है, उनको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अभी त्योहार का मौसम चल रहा है, कल आज ही से शायद सप्तमी है, आज से या कल से सिवान का जो मेला लगेगा, हर जगह के लोग आएंगे, है ना, लोग आएंगे तो फिर आएंगे यही सब व्यवस्था देखेंगे सिवान में। कुछ और लोग हैं, स्थानीय लोग, सदर विधायक जो हैं औद बिहारी चौधरी यहीं से हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा के अध्यक्ष है, क्या मानते हैं ये एक सरकार की बड़ी नाकामयाबी है? नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो नाकामी दिख ही रहा है, और सरकार से मांग है कि इसको दुरुस्त किया जाए। इसलिए कि बगल में आपका देख सकते हैं, बगल में प्ले स्कूल है, किड्स स्कूल है, सिसवन ढाला स्टैंड है, यहाँ पे बगल में स्टेशन है, सारे पैसेंजर लोग आना जाना इधर से ही होता है। मैं भी पासी का रहने वाला हूँ, लेकिन ये स्थिति मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, यहाँ पे तो सुधार होना ही चाहिए, आए दिन घटना होती रहती है, तो ये तो बिल्कुल ई रिक्शा। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। पलट जाता है, मैंने खुद ही एक बार देखा है, मैंने खुद ही मदद किया है, ई रिक्शा पलट जाता है। आप खुद देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे, नाली की व्यवस्था नहीं है यहाँ, ये सब प्रॉपर। यहाँ तो लोड ज्यादा है ना, यहाँ बगल में स्टेशन है, सिसवन ढाला है, ये तो सबसे व्यस्तम रोड है, तो यहाँ तो प्रॉपर विकास होना चाहिए, यहाँ तो प्रॉपर नाली की व्यवस्था और प्रॉपर ये सड़क। अब ये छीटपुट काम से नहीं चलेगा, ये पूरा कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, नहीं तो ये हमेशा वो एक्सीडेंट होता रहेगा। कुछ और लोग हैं, हम तो यहीं के हैं, स्थानीय निवासी भी, कि देखा जाए कि नगर परिषद की जो सबसे बड़ी एक पहल होनी चाहिए, हाल ही में नव निर्वाचित भी हुए हैं, जब तक ये नाले की निकासी नहीं होगी, नाला नहीं बनेगा, पानी तो ये पानी इसी तरह लगा रहा है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि नाली जो है आप देख सकते हैं किस तरह भरा हुआ है, और नाली का पानी सड़कों पे है, नाली पर व्यवस्था कारण इस तरह, और एक दो गड्ढे नहीं, आप लाइन से देख सकते हैं कितने गड्ढे सामने आए, तो गड्ढों में सड़क दिख रही है, इसका विकास कराए ताकि किसी तरह की अनहोनी घटना नहीं हो सके। सहयोगेश के साथ सचिन कुमार सिवान। तो हमने जो आपको वीडियो दिखाए, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए, सिवान शहर के स्टेशन रोड के समीप के दिखाए, जहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में गाड़ियां गुजरती है, ई रिक्शा गुजरते हैं, और लोगों की भी बातें आपने सुनी, ई रिक्शा चालक की भी बातें सुनी कि किस तरह वहां पे लगातार ई रिक्शा पलट जाती है, दुर्घटनाएं होती है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये पुराने दिनों की याद दिलाती है, जब नीतीश कुमार सत्ता में आते उस वक्त भी
सड़कों पर गड्ढे होते थे या गड्ढे में सड़क ये पता नहीं चलती थी। और नीतीश कुमार ने जो गांव गांव तक सड़कों को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया, एक योजना की शुरुआत की और गांव गांव में सड़कें बनी। लेकिन सिवान शहर की सड़क की बात करें, सिवान शहर के स्टेशन रोड जो है वहां से गोपालगंज से भी लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं, सिवान शहर के कोने कोने से लोग यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह से गड्ढे हैं वैसे में हमेशा कोई ना कोई घटना होती रहती है, कोई रिक्शा पलट जाता है, कोई बाइक से गिर जाता है, लोगों को चोट भी लगती है। सिवान शहर का सबसे ज्यादा जरूरी वाला इलाका है जहां सिवान रेलवे स्टेशन के पास का है। लेकिन सवाल उठता है कि जो सांसद जदयू की सांसद कविता सिंह है वो जदयू से है, जो सिवान सदर विधानसभा के विधायक है और बिहारी चौधरी इनका विधानसभा क्षेत्र है और वो विधानसभा के स्पीकर है, जदयू राजद की सरकार है, सबके बावजूद सिवान शहर के स्टेशन रोड के पास विकास नहीं हो पाया है और लगातार लोगों को समस्याएं हो रही हैं। कहाँ है हमारे सांसद, कहाँ है हमारे विधायक जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, क्यों नहीं इस पर ध्यान देते हैं? जबकि सांसद की गाड़ी है या फिर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की गाड़ी है या हमारे सिवान जिलाधिकारी की गाड़ी है, एसपी की गाड़ी है, सारे प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ियों का काफिला इधर से जाता है, इधर से गुजरता है, इन सब के बावजूद किसी का ध्यान इस पर नहीं गया है। और जरूरी है एक पहल करने की, क्योंकि सिवान शहर का मुख्य मार्ग है, स्टेशन के समीप है, तो ऐसे में इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाना चाहिए। दुर्गा पूजा का त्यौहार भी चल रहा है, ऐसे में दुर्गा पूजा देखने के लिए सिवान में कोने कोने से लोग आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई घटना को ये सड़क जो है वो आमंत्रित कर रही है। दुर्गा पूजा देखने के लिए आ रहे परिवार के साथ किसी न किसी तरह की घटना हो सकती है, तो ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक कराया जा सके ताकि लोग आसानी से दुर्गा पूजा का इंजॉय कर सके और जो भी सिवान स्टेशन के पास आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ सके। सहयोगी परवेश के साथ सचिन कुमार की।